Good morning, everyone. Today is the third session of Business Studies. In last session, we started our Unit 1, Nature and Significance of Management. And we discussed three topics, Concept of Management, Effectiveness versus Efficiency, and third is Features of Management. Today we will discuss two topics, Objective of Management and Importance of Management. Let's start Objective of मैनेजमेंट दिस इज नो न्यू टॉपिक फॉर यू ऑलरेडी यू हैव डन दिस टॉपिक इन प्लस वन बट लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक वॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मीन्स एंड पॉइंट जहाँ पर हमें पहुँचना है इसीलिए कंपनीज एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सारी एक्टिविटीज करती है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जनरली इट इज इन्ज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज नॉट ट्रू हमें प्रॉफिट के साथ साथ हमारे और भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रॉफिट के साथ और कौन से होते हैं सर्वाइवल एंड ग्रोथ फर्स्ट इज सर्वाइवल

प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू द बिजनेस मैन ऑफ और बियरिंग रिस्क यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है और इसी के ऊपर हमारी कंपनी का सर्वाइवल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन डिपेंड है और प्रॉफिट जो होता है आपका एक बिजनेस मैन जितने भी रिस्क बियर करता है उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलता है थर्ड इज ग्रोथ बिजनेस ऑर्गेनेजन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड दे एक्टिविटीज जब भी कोई पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो चाहता है कि दो साल के बाद मैं इसकी ग्रोथ करूँ या कुछ टाइम के बाद इसकी ग्रोथ होनी चाहिए और ग्रोथ कैसे होती है ओपनिंग न्यू ब्रांचेज एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट मान लीजिए आपका पहले रेडीमेड गारमेंट्स का काम है अब आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो तो आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं आप कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं लाइक आप शूज़ का शोरूम खोल सकते हैं कि अब आप, अब आपके पास दो प्रोडक्ट हो गए वन इज़ अ रेडीमेड गारमेंट्स एंड सेकेंड इज़ अ शूज़ का शोरूम तो अब आपने क्या करा है यहाँ पर एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द सोसाइटी बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी बिजनेस जो सोसाइटी का एक पार्ट है क्योंकि बिजनेस को जितने भी रिसोर्सेज हैं मैन मशीन मटेरियल मनी ये सारे कहाँ से मिलते हैं सोसाइटी से तो इसीलिए एक बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकॉनमिक वेल्थ एंड इको फ्रेंडली मैथड ऑफ प्रोडक्ट थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव जो किससे रिलीड होता है एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है एंड एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी कंपनी क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे तो कंपनी को भी क्या होगा प्रॉफिट अच्छा होगा तो मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हमारे कौन कौन से हैं टू प्रोवाइड दैम एडिक्यूट सैलरी प्रमोशन ट्रेनिंग पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज और गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ तो दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो इन दिस टॉपिक वी डिस्कस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देर आर फाइव इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कई बार आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो कमेंट ऑन दिस टॉपिक तब भी आपने आंसर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ही लिखना है तो अभी हम डिस्कस करेंगे पहले एक लाइन एनी थिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो वॉट इज द मीनिंग ऑफ एनी थिंग एनी थिंग मीन्स ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज वेदर इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटीज एंड वेदर इट इज़ अ नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हमने अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है और अगर हमने उसको मैनेज नहीं किया तो रिजल्ट विल बी ज़ीरो रिजल्ट क्या रहेगा जीरो बिकॉज वी विल नॉट गेट आर ऑब्जेक्टिव हमें अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है अगर हमें घर पे अगर फंक्शन भी करना होता है तब भी हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं कब करना है कितने लोगों का प्रोग्राम है कहाँ करना है ये सब आपका पता है मैनेजमेंट तो एनी थिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो तो वी विल डिस्कस हेयर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स अर्लियर वी डिस्कस्ड मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी कि मैनेजमेंट क्या होती है आपकी ग्रुप एक्टिविटी मीन्स कि सारे काम एक अकेला पर्सन नहीं करता हम वॉक को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वॉक डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीपल में तो सारे सोआर्डिनेट सारे पर्सन जब मिलकर एफर्ट्स करेंगे देन वी विल अचीव गोल तो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी और उसके लिए क्या करना पड़ता है एक मैनेजर प्रॉपर डायरेक्शन देता है सभी सोर्डिनेट्स को ताकि वो मिलकर एफर्ट्स करें एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सेकेंड इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशियंसी हमने कल भी डिस्कस किया था कि एफिशियंसी क्या होता है मिनिमम कॉस्ट पर गोल को अचीव करना और हर एक कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं मैन मशीन मटेरियल मनी सारे क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं तो मैनेजमेंट क्या करती है इन सभी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाती है ताकि कोई भी रिसोर्सेज हमारे वेस्ट ना हो तो मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशियंसी थर्ड इज़ मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक भी हमने कल डिस्क, डायनामिक डिस्कस किया था डायनामिक मीन्स चेंजेस हर एक कंपनी जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर रही है और इन चेंजेस को हम बेटर वे से फेस कर सकें इसके लिए हम क्या करते हैं मैनेजमेंट क्योंकि अगर हम इन चेंजेस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो हम हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकेगी अब चेंजेस कैसे जैसे कि नई प्रोडक्शन टेक्निक आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग काम करना या कस्टमर के टेस्ट में चेंज हो जाए तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना तो ये सब हमारा किस में करता है मैनेजमेंट तो इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव अभी हमने डिस्कस किया था पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव जो हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है तो कंपनी अपने गोल को तभी तो अचीव कर पाएगी जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाइड करेगी तो एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड कैसे करेगी उनको हायर सैलरी देना प्रॉपर वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करना जिससे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो और वो कंपनी के लिए अच्छा काम करें एंड विद द हेल्प ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंपनी विल अचीव दियर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव लास्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं तो एक मैनेजमेंट का सोसाइटी के लिए भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव होता है ताकि अपनी रेपोटेशन को मेंटेन करना गुडविल अर्न करना तो सोसाइटी के लिए जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट गिविंग कॉम्पिटेटिव सैलरी टू देयर एम्प्लॉयज़ तो इससे कंपनी क्या करती है अपने अपना सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करती है तो मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी टुडे वी डिस्कस्ड टू टॉपिक one is objective of management and second is importance of management now you will read this topic again from your book and do assignment which is available on site thank you students